भजना सुथाने माने आज रिजानो है भजना सुथाने अरे भजना सुथाने माने आप ले ले तुमको निवाणो है कीर्तन की हैरा अरे कीर्तन की हैरा मैं ले जाऊं घर तो मैं आ जाऊं घर अरे सर तालियां बजा के एक बार मिलकर गाए ना अरे कीर्तन की है रात अरे कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है कीर्तन की है रात अरे कीर्तन की है रात बाबा आज थाने कोल निभाड़ो है कीर्तन की है रात अरे कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है इस दरबार में क्यों बैठे हैं इतनी देर से यहाँ पर क्यों विराजमान है हासिलियो मीठी मीठी बाता मेरे हासिलियो अरे बिकी गयो जीव थारे हाथों में हो अरे बिकी गयो जीव थारे हाथों में को विचार के करो बोलो बोलो मेरे साथ एक बार सबकी आवाज आए अगर बात सच्ची लगे तो पांचड़ी आरा पालड़ा झूलावे सावरो देख लो एक बार दिल से बोला कर देख लो सुरसी सुरसी सागरो सुना कर देख लो अरे सुरसी सुरसी सागरो सुना कर देख लो क्या सुनाओगे एक बार गाओगे मेरे साथ सबकी आवाज आए धन दौलत क्या मांगे मुस्कान दी तुमने मुस्कान ये दी तुमने ओ हमेशा में प्रेमियों की पहचान ये दी तुमने हमेशा में प्रेमियों की पहचान ये दी तुमने ओ किस्मत को बनाती हो किस्मत को बनाते हो हम किस्मत से क्या बाते जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या बस कोई हमसे पूछे जरा जथरत कैसी होगी दावे से कहते जीते जी स्वर्ग मिला इस बार के 11 के कुछ दिन पहले की बात है हमारे साथ एक प्रेम निशान निकल जा रहे थे और तोरण द्वार पहुंचने पर अचानक पीछे पीछे पर
पीछे घूम कर पता नहीं कुछ पड़पड़ाया। मैंने पूछा भाई साहब क्या किया, जवाब दिया, बोले राज भाई 3 साल पहले एक भजन लिखा गया था, उस भजन में आपने एक शब्द लिखा था, एक पंक्ति लिखी थी, मैं खाटू की धरती पर खड़ा हूँ। लोग बाबा से कहते बाबा ऐसे काम करा देना, ऐसे कर्म करा देना कि मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए, लेकिन हम धरती खाटू की पर खड़े हैं और खाटू की धरती पर खड़े होकर हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं, अरे जीते जी स्वर्ग मिला, मरने पर क्या मारे, जब बिन बोले हम बोल के क्या मांगे, मुझसे ना लायक को लायक समझा तुमने, और अपनों ने ठुकराया अपना समझा तुमने, अरे तुमको ही मांग लिया। मात्र स्मृति ने मेरी जिंदगी भर दी, ऐसी एक पंक्ति है, जिंदगी भर प्रभु से मांगा, प्रभु से मांगा, प्रभु ने दिया, लेकिन आम लोगों की तरह खड़ा कर दिया। जब आम लोगों से हटकर दिखना था तो कहा प्रभु अलग क्या मांगे, समझ आया, अरे तुमको ही मांग लिया, तुमसे अब क्या मांगे, जब बिन बोले बिलता तो बोल के क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता। मैं चार पांच भक्तियां और रखूंगा, उसके बाद रवि भैया दरबार में या सी करें जरा, ओ बड़ी मेहनत से और बड़े सालों बाद बहुत बाबा की कृपा के बाद संजय भैया ने इतना बड़ा घर बनाया है, जगह बहुत है, व्यवस्था बिगाड़े ना, आराम से आकर बैठे, प्रेम से आकर बैठे, एक उठे एक बैठे, प्रेम से बहुत बहुत सारी जगह है। एक बार जोर से जयकार लगाए, बोले श्याम प्यारे अपनों का बदल जाना, दुनिया का है दस्तूर, और अपनों को निभाने में मेरा श्याम बड़ा मशहूर, मुझे भी अपना तू बनाएगा, है भरोसा मुझे मेरा भी जीवन तू संवारेगा, सिर्फ दो शब्द जो जिंदगी बदल सकते हैं, ओ सांवरे कौन कौन गाएगा सर, बोल लो हाथ सीधे तालियां बजाकर मिलकर, ओ सांवरे भरोसा मेरा नहीं हारेगा, भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे Thank you.
मेरा शाह बड़ा मशहूर, अपनों को निभाने दे मेरा शाह बड़ा मशहूर। देखो माइक का कृपण कितना भी तेज हो जाए, ठाकुर के कानों तक तो सीधी सीधी आपकी तालियां पहुंचती है। सब मिलकर एक बार कीर्तन जैसा माहौल। मुझे भी अपना तू बनाएगा, मुझे भी अपना तू बनाएगा, है भरोसा मुझे वो सांवरे, 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 वो सांवरे। ठाकुर से कहा कि अपनों का बदल जाना दुनिया का है दस्तूर, और अपनों को निभाने में मेरा शाम बड़ा मशहूर, अपनों को निभाता है सिर्फ और सिर्फ एक बात कहने की दरकार है। कलाई पकड़ ले पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई, कलाई पकड़ ले पकड़ता न कोई, कलाई पकड़ ले पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई, कलाई पकड़ ले पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई, तेरे दर पे आके मेरी आँख रोई, तेरे दर पे आके हाँ मेरी आँख रोई, कलाई पकड़ ले पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई, कलाई पकड़ ले पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई। एक बार भक्तों की आवाज आए, जरा मिलकर ऐसी पंक्ति जो आप सबको आती है। ओ छाए काली घटाए तो क्या इसकी छतरी के नीचे होने, ओ छाए काली घटाए तो दरबार में भीड़ है तो मैं तेरी कलाई पकड़ लूंगा। बाहर का सेठ कहता है, हमने जवाब दिया ना, लेकिन ना के साथ एक जवाब और दिया, बाहर के सेठों के हाथ से कलाई नहीं पकड़वानी। क्यों? हम तो बाबा के भरोसे, ओ हम तो बाबा के भरोसे। ये आवाज बहुत कम है प्रेमियों, बहुत कम है। देखो लोग कहते हैं कि बाबा अंतर्यामी है, मन की बात सुनता है, दरकार नहीं है चिल्ला के भजन गाने की। आप अगर धीमे धीमे भी गाओगे तो वो सुन लेगा। ये ठाकुर के लिए नहीं है, ये जो प्रेमी यहाँ पर खड़े हैं ना,
जब एक साथ इतने सारे प्रेमी और एक ऐसे भगत के घर में बैठते हैं तो वहां पर बुलंद आवाज ऐसी आनी चाहिए कि पता पड़े कि शाम प्रेमियों का जमघट लगा है। एक बार वैसी आवाज में गाओ जरा दोनों हाथ खोल के मिलकर। ओ हम तो पापा के भरोसे चलते हैं, हम तो पापा के भरोसे, समझ में आया कि ये पंक्ति क्यों लिखी है। रात के 2:30 बजे एक इंसान सुनसान सड़क पर अकेली गाड़ी लेकर खड़ा है, गाड़ी खराब हो चुकी है, 2.5 घंटे से इंतजार कर रहा है कि कोई आ जाए उसे लिफ्ट देकर उसे अपने घर तक पहुंचा दे। 2.5 घंटे से किसी ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी, अचानक 2.5 घंटे बाद कोई व्यक्ति आता है अपनी गाड़ी रोकता है, बोलता है भाई साहब अंदर आ जाओ, लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आपको जहां जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। जैसी गाड़ी में बैठता है सबसे पहला सवाल, बोले भाई 2.5 घंटे से इंतजार कर रहा था, 2.5 घंटे से किसी ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी, आपने क्यों रोकी? अक्सर लोग जवाब क्या देंगे मुझे पता है, गाड़ी के पीछे क्या लिखा था। अच्छा एक छोटा सा लॉजिक, जिस गाड़ी के पीछे हरे का सारा बाबा श्याम हमारा नहीं लिखा उसमें श्याम प्रेमी नहीं बैठ सकता, खाली उसी गाड़ी में बैठ सकता नहीं। उस प्रेमी का जवाब सुने, अगर जवाब अच्छा लगे तो फिर मेरे साथ इस पंक्ति को गाना। उसने कहा, बोले भाई साहब मैं दूर से आ रहा था, आपको देखा तो लगा शायद आपको जानता हूं, थोड़ा करीब आकर ठीक से आपको देखा तो मुझे याद आया कि उस दिन आप कीर्तन में मेरे बगल में बैठकर भजन कर रहे हो। उसने कहा भाई मैं आपके बगल में बैठा था, हो सकता है मैं कोई चोर हूं, कोई डकैत हूं, कोई पॉकेट मार हूं, आप मुझे जानते तो नहीं। उसने जवाब दिया, उसने कहा भाई पॉकेट मार होंगे आप, डकैत होंगे आप, चोर होंगे आप, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना बताया कि रात के 2:30 बजे किसी शाम प्रेमी को सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ दूं तो मेरा शाम क्या सोचेगा। अपने घर में आधे सेकंड के लिए भी किसी अनजान व्यक्ति को खड़ा नहीं होने देते, कीर्तन में आकर किसी की भी बगल में बैठ जाते, कुछ पता नहीं वो कौन है, कहां से आया है, किस लिए लिखा। ये कराता मुलाकात है, ये कराता मुलाकात है, तो मुझको डरने की क्या बात है। अच्छा एक भाव जो मुझे अभी आ रहा है, बार बार श्रृंगार को देखकर इतना सुंदर ठाकुर लग रहा है, एक बार मिलकर गाओगे मेरे साथ। श्याम बाबा को श्रृंगार मैंने भावे, श्याम
नाचिए, उठाओ हाथ जरा एक बार मिलकर, जिसको श्रृंगार अच्छा लग रहा है, जिसको सुंदर लग रहा है बाबा, जरा मिलकर बोलो श्याम बाबा इसीलिए आया हूं मैं, इसके लिए नहीं। एक एक हाथ से जरा मिलकर बोलो प्यारा सा दुखड़ा, अरे कलयुग का राजा, अरे प्यारा सा दुखड़ा, अरे कलयुग का राजा, हरे का सहारा भाई, इतने हाजिर सुधार करें और भी चार लाइन बोल सुना दो ना। अच्छा चार लाइन तो अच्छा आरे के साथियों लोरियों की जगह हमेशा तेरे भजनों को सुन और सुनकर तेरे परचों को हम सपने यही बुनते थे। दिल्ली में कीर्तन में एक व्यक्ति मिले, कहते हैं भैया हमारे दिल्ली में एक शब्द का बहुत प्रचलन हो चुका है, आम आदमी। कौन सा शब्द? जोर से बोलिया करो, कौन सा? आम आदमी। बोलते राज भाई मैं अपनी जिंदगी में अपने आप को कुछ भी कहूंगा मगर आम आदमी नहीं कहूंगा, कुछ नहीं होगा। मैंने बोला भैया खराबी इस शब्द में क्या बुराई? उसने कितना सुंदर जवाब दिया, उसने बोला भाई इससे बुरा शब्द हमारे लिए तो है ही नहीं, क्योंकि जिसके घर परिवार का मुखिया शाह बाबा हो वो आदमी आम आदमी हो ही नहीं सकता। इसके परिवार का मुखिया श्याम होता है वो आम परिवार नहीं, और अच्छा फर्क क्या है श्याम परिवार और आम परिवार में क्या फर्क है? आम परिवार में बच्चे होते हैं लोग कहते हैं बधाई हो, श्याम परिवार में बच्चे होते हैं लोग बोलते हैं खाटू नरेश की, हरे के सहारे की, श्याम प्यारे की। एक और हाँ इन होता है अच्छा अच्छा और एक छोटा सा फर्क है, बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो आम परिवार में लोरियां सुनकर बड़े होते हैं और शाम परिवार में लोरियों की जगह हमेशा तेरे भजनों को सुनते थे और सुनकर तेरे परचों को हम सपने यही बुनते थे।
उनको भी उबारोगे जैसे सबको उबारा है। और घर पे आई मुसीबत को दिया तूने सहारा। ये पंक्ति हर व्यक्ति के मुख से निकले, बचपन से सुना हमने, मालिक तू हमारा है। और घर पे आई मुसीबत को तूने सहारा है। तूफान जो नहीं आता हम खुद ही संभल जाते, और हारे के सहारे हो कैसे हम समझ पाते। बोली जब नाव मेरी बन के आया किनारा है, और घर पे आई बचपन से सुना। कितनी सुंदर पंक्ति। प्रभु प्रभु कभी कभी ऐसी बात लिखवा देते हैं, तुम हो या नहीं ये भी कहते हुए है, और तुम्हें भक्तों की आंखों से अच्छा इस बात को साबित करने के लिए बहुत बहुत सुंदर भजन हमारे संजू भैया ने बहुत वर्षों पहले लिखा था। आंसू वो खजाना है किस्मत से मिलता है, और इसके बह जाने से मेरा शाम टूटता है। कुछ दे या ना दे इस अपने दीवाने को, दो आंसू चरणों में चढ़ा नरसी ने बहाए थे, मीरा ने बहाए थे। और जब जब भी कोई रोया तुम दौड़े आए थे, काफी है दो बूंदे घनश्याम ले जाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में चढ़ा। अच्छा संजू भैया कि मैं घर पे था, आज से दो वर्ष पहले की बात है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई इस भजन को लेकर। उन्होंने कहा कि ये भजन सिर्फ दो अंतरे का था, जब उन्होंने बनाया था सिर्फ दो अंतरे का भजन था, तीसरा अंतरा बना नहीं था, और किसी कीर्तन में उन्होंने ये भजन गा दिया था। और गाने के पश्चात एक बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति नाम के उन्होंने आकर कहा, बेटा आपने भजन तो इतना अच्छा लिखा है, भाव बड़े अच्छे, लेकिन एक बात बताओ, ये संजू भैया की बताई हुई बात है, उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, आपने इतने बड़े देव से, कलयुग के इतने बड़े दानी से अगर मांगा भी तो क्या, आंसू अगर वाकई में ले लिए तो जिंदगी नरक हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और जो लोग वहां पर इस भजन को चिल्ला चिल्ला कर गा रहे थे वो सोच में आ गए थे कि उन्होंने क्या गाया, लेकिन इसके बाद जो जवाब आया वो जवाब सुनकर अगर आपके दिल तक बात पहुंचे ना तो गूंजना चाहिए जिंदगी। आंसू चीज क्या है, दुख में बह जाते खुशियों में जरूरी है, और आंसू के बिना संजू हर आंख अधूरी है। वो आंसू के बिना संजू हर आंख अधूरी है, पूरा करते आंसू हर एक हर जाने को, दो आंसू तो दे दे शरणों में। बोले एक बार
वो आंसू को तेरे चरणों में चढ़ाने को। लोग कहते हैं बाबा दिखता नहीं है, अच्छा आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जयकार लगा कर बताओ। बोले खाटू नरेश की। लोग कहते हैं बाबा दिखता नहीं है, बाबा दिखाई नहीं देता, बाबा का साक्षात रूप क्या है। पंडिताई नाराज हो गई पंडित जी से, पंडिताई नाराज हो गई पंडित जी से, बोलती है पंडित जी आपको जो भी खाने को देती हूँ आप सबसे पहले मंदिर में जाते हो, अपने बाबा को भोग लगाते हो, उसके बाद में भोग खुद खाते हो, एक बात बताओ आपका बाबा सच में धरता है। पंडित जी को गुस्सा आ गया, सुबह सुबह तो लड्डू लिए, लड्डू लेकर पहुंच गए और बाबा से बोलते बाबा आज तो तू आएगा और इस लड्डू का भोग साक्षात आकर खाएगा, तो मैं यहाँ से जाऊंगा वरना, जोर से बोलिया करो वरना नहीं जाऊंगा। सुबह से दोपहर हुई कुछ चींटियां आई, चींटियों को भगा दिया, दोपहर से शाम हुई भिखारी आया उसको फटकार दिया, जब रात हुई तो परेशान हो गया अपने घर चला गया, जाकर सो गया और जैसे ही सोया कान में सबसे पहली आवाज, बेटा लड्डू बहुत अच्छे थे, बेटा केक बहुत अच्छा था। अच्छा बेटे ने क्या कहा, बेटे ने बोला बोला बाबा क्यों झूठ बोलता, आज तो पंडिताइन के सामने बेइज्जती करा दी, आज तो तू आया ही नहीं, तूने मेरे लड्डू खाए नहीं आ जाता और मेरे लड्डू का भोग लगा जाता, इज्जत बच जाती पंडित की। पता है बाबा ने क्या जवाब दिया, बोला बेटा देर मैंने नहीं करी, देर तूने करी थी, मैं तो दोपहर में भी आया था, मैं तो शाम को भी आया था, दोपहर में चींटियों के रूप में आया था तूने भगा दिया, शाम को भिखारी के रूप में आया था तूने फटकार दिया, रात को सड़क से उठाकर खाने पड़े, थोड़ी मिट्टी लग गई थी लेकिन लड्डू फिर भी अच्छे थे। झूठ बन कर के आया तू जब भी राज हारा और घर पे आई मुसीबत तो दिया तूने बचपन से। हम भी अगर बच्चे होते ना हमारा अच्छा तो कब करने का, कैसे आज ही जोरदार तालियां बजाइए हमारे राज भाई को। किसने बोला मुझे कि मेरा उस दिन बर्थडे है, लेकिन मैं जरूर आऊंगा। पूरे श्याम जगत की तरफ से ढेरों बधाई है, ढेरों बधाई है, तुम्हें जोरदार बधाई। और भाई और देखिए क्या बात है, देखिए राज भाई यही श्याम परिवार की स्पेशलिटी है कि जिंदगी में आपने हमेशा एक के काटा होगा लेकिन श्याम जगत में आपके लिए दो के है। और ऐसा नहीं है कि ये किसी और के लिए है, दोनों में राज लिखा हुआ है। आपके बर्थडे के लिए श्याम बाबा ने पहली बार शायद आप दो केक एक साथ काट रहे हो, है ना, यही बाबा की कृपा है। और सचमुच में श्याम का नाम लेने वाला उसकी जिंदगी कभी अधूरी रह जाए, श्याम का नाम लेने वाला उसकी जिंदगी कभी कष्टमय हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। आइए तालियां बजाइएगा श्याम भैया के लिए, राज भैया के लिए। आइए मैं निवेदन करूंगा हमारे अंकल जी सुरेंद्र जी कानोड़िया जी से, प्लीज बुजुर्गों का ये हमारा अधिकार है कि हम अपने बड़ों से ये आशीर्वाद लें। आज जो कुछ भी हमें मिला आप लोगों से आशीर्वाद के रूप में मिला है। आइए राज भैया को मालार्पण करके खूब तालियां बजाइएगा। खूब Happy birthday to you.
मैं बोल रहा हूँ I'm feeling like crying, लेकिन पते के दिन रोना नहीं चाहिए। बर्थडे बॉम्ब नहीं, बर्थडे बॉम्ब बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता जो खुशी मुझे हो रही है इस वक्त। रियली आई एम फीलिंग लाइक क्राइंग, लेकिन बस बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप जितने शाम के भी हाँ लुटेरा बहुत 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 धन्यवाद आप सभी शाम प्रेमियों का। अब इसका मैं क्या करूँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शाम प्रेमियों का। थैंक यू सो मच। बोले खाटू नरेश की जय।